हेलो एंड वेलकम टू SDCM। मैं अभिषेक सोनी प्रेजेंट कर रहा हूँ BSc सेकेंड ईयर फिजिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें आज हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझने वाले हैं लाइट के बारे में। एक्चुअल में लाइट का जो ड्यूअल इफेक्ट होता है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी जिसको हम बोलते हैं, लाइट एज अ वेव एंड एज अ पार्टिकल भी प्रोपोगेट करती है। तो इसी के बारे में आज हम कुछ बेसिक समझने वाले हैं इसका। तो डिस्कशन करेंगे लाइट के बारे में काफी कुछ। एक्चुअल में तो लाइट के बारे में पढ़ने को काफी कुछ है, बहुत ज्यादा अजीब टाइप का। ये लाइट क्या है एक्चुअल में, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है अपने आप में एक। हम वेव पार्टिकल डुअलिटी के बारे में आज काफी कुछ समझने वाले हैं। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मैंने ये जो फिगर है, ये यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ड्रॉ करके रखा है। तो एक्चुअल में बेसिकली लाइट एज अ पार्टिकल प्रोपोगेट करती है, प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप में लाइट चलती है, जिनको हम फोटोन बोलते हैं। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है उसको हम एच न्यू से डिनोट करते हैं। एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू के इक्वल होती है बेसिकली, अगर हम बोलें तो। तो ई इज इक्वल टू फोटोन के लिए होता है बेसिकली, ई इज इक्वल टू एच न्यू, ये एक फोटोन की एनर्जी होती है। लाइट प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रोपोगेट करता है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये तो पता था, चलो, कि लाइट कणों के रूप में चलता है, प्रकाश के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रोपोगेट करती है, जिसको हम फोटोन बोलते हैं। लेकिन लाइट एज अ वेव भी प्रोपोगेट करती है। अच्छा, एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख दूं फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू होती है एच न्यू। तो इस लेक्चर का हमारा जो बेसिक मुद्दा है वो है लाइट एज अ वेव प्रोपोगेट कैसे करती है। तो यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ही एक्चुअल में ये हमें पता चला, इसके बाद से ही, कि लाइट एक्चुअल में एज अ वेव भी प्रोपोगेट करती है। वो किस तरह से एज अ वेव प्रोपोगेट करती है लाइट, तो साइंटिस्ट यंग थे कोई, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया जिससे हमें पता चला कि लाइट एज अ वेव प्रोपोगेट करती है छोटी छोटी चीजों से होकर के। जैसे ही प्रकाश छोटी छोटी चीजों से होकर प्रोपोगेट करता है, निकलता है जैसे ही प्रकाश, तो वो एज अ वेव भी प्रोपोगेट करता है, ये हमें पता चला बेसिकली यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद ही। तो जैसा कि अगर लाइट फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है जिसको मैं S से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ कोई एक सोर्स ऑफ लाइट है बेसिकली, यहाँ से लाइट रेज निकलेंगी। इसके बीच में साइंटिस्ट यंग थे, उन्होंने रखा एक कोई लेंस, कुछ इस टाइप से उन्होंने लेंस रखा और यहाँ से लाइट रेज आएंगी। और बेसिकली ये एक कॉन्वेक्स लेंस था, उत्तल लेंस था, और इसको रखने का मेन पर्पस क्या, सिर्फ जो लाइट रेज है उनको कन्वर्ज करना था। और यहाँ इन्होंने एक कोई कार्डबोर्ड रख दिया कुछ इस टाइप से, जिससे लाइट रेज निकलेंगी। ये हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ करके रखा हुआ है बेसिकली। तो इसी को हमें समझना है कि लाइट एज अ वेव कैसे प्रोपोगेट करती है किसी भी मीडियम में। और वेव वेव को प्रोपोगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बाद भी काफी कुछ इस पर भी डिस्कशन किया गया कि लाइट एज अ वेव प्रोपोगेट करती है अगर, तो वेव के लिए कोई ना कोई एक मीडियम होना चाहिए। तो यूनिवर्स में अगर लाइट प्रोपोगेट कर रही है तो वहां भी कोई ना कोई मीडियम एग्जिस्ट करना चाहिए। तो वो अभी इस वीडियो का जो हमारा बेसिक मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि लाइट एज अ वेव किस तरह से प्रोपोगेट करती है छोटी छोटी चीजों से होकर, ये कैसे एक्चुअल में प्रूव किया साइंटिस्ट यंग ने। तो जैसा कि हमें पता है कि लाइट एज अ पार्टिकल तो प्रोपोगेट करती है, और लाइट अगर एज अ पार्टिकल प्रोपोगेट करती है स्ट्रीट लाइन में, तो यहाँ पे साइंटिस्ट यंग ने जो कार्डबोर्ड रखा था उसमें जो स्लिट्स बनाई हुई थी उनसे लाइट रेज निकल के डायरेक्टली सीधी कुछ इस टाइप से निकल जानी चाहिए, जहाँ पे कुछ छोटी छोटी सी स्लिट्स बनाई हुई हैं उनसे लाइट रेज निकल जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में हमें ऐसा फिनोमेना देखने को नहीं मिला इस प्रकार। लाइट
जाके जहाँ पे हमने स्लिट्स नहीं बनाई हुई हैं वहां भी लाइट पहुंच रही थी, और लाइट का कुछ इस टाइप का फिनोमेना देखने को मिला कि जहाँ शेडो रीजन बनना चाहिए, अंधेरा अंधेरा डार्क स्पॉट होना चाहिए, वहां भी हमें कुछ ब्राइट स्पॉट्स टाइप दिखते हैं। तो इससे ये तो बेसिकली प्रूव हो ही गया कि लाइट एज अ पार्टिकल तो नहीं, यहाँ पे लाइट एज अ वेव ट्रेवल कर रही थी। तो ये था लाइट, एक्चुअल में लाइट का किस टाइप का फिनोमेना देखने को मिलता है हमें। लाइट एज अ वेव भी प्रोपोगेट करती है जब छोटी छोटी चीजों से होकर निकलती है। तो यही था वेव पार्टिकल डुअलिटी एक्चुअल में, कि लाइट एक्चुअल में प्रोपोगेट करती है एज अ वेव भी, वेव के फॉर्म में भी प्रोपोगेट करता है लाइट। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसका जो बेसिक है लाइट का, एक्चुअल में लाइट के बारे में पढ़ने को काफी कुछ है, और लाइट क्या है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आज का मुद्दा हम सिर्फ इतना कि हमें सिर्फ समझना है कि वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या होती है। तो लाइट वेव और पार्टिकल दोनों के फॉर्म में चल सकता है। जब लाइट छोटे छोटी चीजों से होकर निकलता है वो एज अ वेव प्रोपोगेट करता है। ये आई होप आपको समझ आया होगा, और यंग्स डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बाद ही इसको प्रूव किया गया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।